मेष राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, सूर्यदेव आपकी राशि से दशम भाव के अंदर प्रवेश करेंगे। आपके कुंडली के दशम भाव में 10th हाउस के अंदर सूर्यदेव गोचर करने जा रहे हैं। सूर्य का यह महाराशि परिवर्तन आपके लिए काफी पॉजिटिव रहने वाला है, अच्छा रहने वाला है। आपको आपके हर कार्य के अंदर सफलता प्राप्त होगी, उच्च पद की आपको प्राप्ति हो सकती है, प्रमोशन मिल सकता है, तरक्की हो सकती है, फाइनेंशियल बेनिफिट तो होंगे ही, हेल्थ सेक्टर भी पॉजिटिव बना रहेगा, स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। आज मकर संक्रांति का दान हमारे मेष राशि वाले दर्शकों के लिए, उसको भी समझ लेते हैं। तो आज का महादान आपके लिए आदित्य हृदय स्तोत्र की पुस्तक 11 विद्यार्थियों को बांटनी है। आदित्य हृदय स्तोत्र की 11 पुस्तक 11 विद्यार्थियों को बांटनी है, यह आज का महादान आपके लिए। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले जो हमारे दर्शक हैं, सूर्य का महाराशि परिवर्तन आपके नवम भाव में होना जा रहा है। आपकी राशि से 9th हाउस के अंदर आपके लक हाउस के अंदर होने जा रहा है। आपके मान सम्मान में सूर्य का महाराशि परिवर्तन वृद्धि करेगा। आपके नाम को, आपके काम को एक नई पहचान मिलेगी। लक फैक्टर का सपोर्ट मिलेगा। सफलताएं आपके कदमों को चूमेंगी, लेकिन आपके पिता का स्वास्थ्य कुछ कमजोर रह सकता है। आज मकर संक्रांति का महादान आपके लिए 5 किलो शक्कर का दान, 5 किलो शक्कर का दान गुरुद्वारे में लंगर के लिए कीजिएगा। सूर्यदेव का महाराशि परिवर्तन आपको शुभ परिणाम देगा। मिथुन राशि, सूर्यदेव आपकी राशि से 8th हाउस के अंदर अष्टम भाव के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। बहुत ज्यादा लक के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, अपनी मेहनत के ऊपर, अपने हार्ड वर्क के ऊपर भरोसा रखना है। ध्यान रखिएगा, हमारे मिथुन राशि वाले जितने दर्शक है, जितनी मेहनत आप करेंगे फल उसके अनुसार ही आपको मिलने वाला है। और किसी भी तरह के विवादों से आपको बचना होगा, सेहत का ध्यान रखना होगा। आज का महादान आपके लिए, संक्रांति का महादान हम आपके लिए बताने जा रहा हूं, 3 किलो हरे मूंग की दाल, 3 किलो हरे मूंग की दाल आज वृद्धाश्रम में दान कर दीजिएगा। पूरा वर्ष खुशियों से भरा रहेगा।